नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज एक शानदार तेजी मार्केट में फिर से देखने को मिली और करीब करीब 51,000 के पार सेंसेक्स पहुंचा और निफ्टी 15,300 जो कि पिछला इंट्राडे हाई क्लोजिंग था उसके पार बाजार ने आज एक बार को अपना लेवल दिखाया भी। 15,319 के आसपास शायद आज इंट्राडे में हाई बनता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस क्लाइंट करीब 2:1 यहाँ पर आ रहा था और मेजरली आज थोड़ी सी बिकवाली रही मेटल के अंदर, एनर्जी स्पेस के अंदर, लेकिन खरीदारी ज्वेलरी स्पेस में, आईटी स्पेस में जो कि आज जोरदार तेजी के अंदर सेकंड हाफ के अंदर आए, होजरी स्टॉक्स में जो कि लगातार मोमेंटम के अंदर हैं, रेस्टोरेंट्स, रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। करीब करीब 20 ऐसे शेयर थे जो कि आज NSE 500 में अपना ऑल टाइम हाई हिट करके गए। साथ ही साथ एशियन पेंट्स, UPL, विप्रो, पिडिलाइट, लक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज अपने ऑल टाइम हाई हिट करते हुए दिखाई पड़े। शानदार तेजी आज बजाज फिनसर्व में आई। आज सुबह एक बॉगडील हुई 50 करोड़ रुपए की और उसके बाद शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और ग्रासिम कुछ और ऐसे नाम जो कि जोरदार तेजी के अंदर कामकाज कर रहे थे। इंडिको रेमेडीज यहाँ पर एक शानदार मूव था, लक्स इंडस्ट्रीज नंबर के बाद चला। BSC इंडिया जो कि अच्छे वॉल्यूम, मतलब BSC के अच्छे टर्नओवर के बाद या जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा। और इंगरसॉल रैंड नंबर से पहले यहां पर ये बाइंग थी। नंबर्स के नेक्स्ट मंथ के आसपास 31 तारीख उसके नंबर्स के अनाउंसमेंट की डेट है, उसके बाद खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एक और शानदार सत्र जबकि भारतीय बाजारों में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा और मेजरली मार्केट्स को जो ये मूव सपोर्ट कर रहा है ये मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट मैं कुछ आंकड़े भी देख रहा था, पिछली बार 16 फरवरी को निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था, वहां से लेके अब तक करीब 10% के आसपास मिड कैप चल चुका है और रफली 20% के आसपास स्मॉल कैप चल चुका है। सबसे ज्यादा चलने वाला इंडेक्स कोई है तो वो है मेटल इंडेक्स। करीब करीब 42% का मूव इंडेक्स ने पिछली तेजी से इस तेजी के दौरान दिया, तो अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहां बनती है भी या देखने को मिल भी रही है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और पहला सवाल ले लेते हैं जो हमारे पास पहला सवाल आया है वो है BSC पे ही सुभाजीत बनर्जी साहब का 750 रुपये के दाम पे और जस्ट डायल पे। शुभजीत साहब, जस्ट डायल को लेकर कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी, करीब 1100-1200, कुछ लोग 1300 के भी टारगेट दे रहे थे, क्योंकि इसमें एक बड़ा ट्रिगर है कि जस्ट डायल का एक JD मार्ट करके बिजनेस है, जस्ट डायल के आम है वो, लेकिन आप इंडिया मार्ट की अगर सामने वैल्यूएशन देखेंगे उसका तो बिल्कुल कुछ, मतलब आप ये समझ लीजिए इंडिया मार्ट बहुत हाईली वैल्यूड और जस्ट डायल बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इंडिया JD मार्ट को अगर उसके अंदर शामिल कर लिया जाए तो इसलिए ब्रोकर्स मानते हैं कि थोड़ा अंडर वैल्यूड शेयर है, हो सकता है थोड़ी तेजी यहाँ देखने को मिले भी। 1200-1300 के आसपास की बातचीत थी पहले, अभी हाल में ही सब कुछ इवैल्यूएशन हुआ नहीं है, नंबर्स का वेट हो रहा है। दूसरी चीज़, BSC लिमिटेड तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कल ही आशीष चौहान साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये बात साफ किया कि मार्केट यहाँ से भी डबल हो जाएगा, 3 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप हिट कर गया है, अब वो 6 ट्रिलियन की बातचीत कर रहे हैं, तो 6 ट्रिलियन अगर होता है तो ऑब्वियसली बात है BSC का रेवेन्यू भी डबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कम्युनिटीज के अंदर वैसे भी है, ब्रोकर हाउस टारगेट जस्ट डायल को लेकर तो आपको बताया लेकिन BSC को लेकर जो टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अच्छा, अलम्बिक लिमिटेड 108 पे मनोज पांडे साहब का सवाल है। पांडे साहब, हमेशा एक ट्रिगर इसके साथ आता है कि एलम्बिक लिमिटेड एलम्बिक फार्मा में स्टेक ओन करती है और उस स्टेक की वैल्यू कहीं 4,000 करोड़ रुपए से 8,000 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी की खुद की मार्केट कैप कहीं 2,000-3,000 करोड़ रुपए के आसपास है, ऐसा कुछ हमेशा तर्क दिया जाता है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि एलम्बिक लिमिटेड एलम्बिक फार्मा में अगर होल्डिंग रखती भी है तो उस होल्डिंग को आपको हर हाल में 60% के आसपास डिस्काउंट करना होता है, यानी अगर 100 रुपये होल्डिंग की वैल्यू तो उसकी वैल्यू आप सिर्फ 40 रुपये ही मान के चल सकते हैं, बाकी 60 रुपये आपको डिस्काउंट करना होता है क्योंकि उतार चढ़ाव बाजार में रहता है और होल्डिंग है वो, तो उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू देखिए, 3,000-4,000 करोड़ रुपये के आसपास की मार्केट कैप पे फेयरली वैल्यू उठाइए, तो अब हो सकता है थोड़ा सा ईज आउट हो, लेकिन डिपेंड करता है एलम्बिक फार्मा अगर चलता है तो ये भी थोड़ा सा पोजिशन पकड़ सकता है, तो दोनों की इक्वेशन को देख के ही आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। अच्छा, हैप्पीएस्ट माइंड प्रणव जवर साहब, हैप्पीएस्ट माइंड ऑब्वियस ही बात है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग इन मेकिंग भी है, आज भी IT कंपनी चली है, साथ में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा,
तो मेजरली अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट कोका कोला जैसे क्लाइंट इस कंपनी के पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, बहुत अच्छे नंबर। बट एक ही कंसर्न है, थोड़ा महंगा है क्योंकि चला बहुत है। थोड़ा नीचे आ जाए, ईज आउट हो तो अच्छा विकल्प है, लेकिन या नंबर थोड़े सपोर्ट हो जाए, ऑब्वियसली बात है, या तो शेयर नीचे आए या ईपीएस बढ़े, जो दोनों में से होता है उसके हिसाब से शेयर चलेगा। तो आप वैल्यूएशन वाले पार्ट को कंसर्न मानिएगा, लेकिन वैसे इस कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी स्माइल में हम बातचीत कर चुके हैं। आईटीसी के लिए अमृत जी, बहुत साफ सी बात है कि आपको हर हाल में आईटीसी के लिए पेशेंस बहुत देना पड़ेगा। आईटीसी की मतलब अभी कुछ दिन पहले, कल परसों या वीकेंड पे एक ट्विटर का पे वो फ्लोट हो रहा था एक वीडियो 2009 का, जब बाजार ने अपर सर्किट लगाया था और आईटीसी का दाम 204 रुपए था। ऐसा नहीं है, आईटीसी का दाम उस समय 204 था, 2006 में एक बोनस आया, 2016 में एक बोनस आया, तो उसके एडजस्ट कर देंगे तो आईटीसी दाम 50 रुपए बैठता है। तो वो 50 रुपए का दाम आज आपके सामने 230-231 रुपए है, प्लस नंबर ऑफ शेयर ही बढ़ गया। तो आईटीसी बहुत ही पेशेंस रखने वाला शेयर है, अगर आप पेशेंस दे सकते हैं तो जरूर चलेगा, पेशेंस नहीं दे सकते हैं तो आपको स्विच ऑन करने की जरूरत है। वैसे भी एफएमसीजी एक तो स्लो सेक्टर, ऊपर से आईटीसी उससे भी ज़्यादा स्लो सेक्टर, ऑब्वियस रीज़न है कि एक बहुत बड़ी इक्विटी बेस है तो उसको चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 चलेगा। अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई दो राय नहीं है। ब्रोकर हाउस टारगेट सेंटर में तो 320 रुपये तक के भी हैं, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अंश ढांडा साहब, गॉडफ्रे फिलिप्स और डी मार्ट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। गॉडफ्रे फिलिप्स नोएडा में कुछ स्टोर चलाती है, शायद 42 से 43 स्टोर इनके पास हैं पूरे नोएडा एनसीआर में, और डी मार्ट महाराष्ट्र में 220 स्टोर के आसपास चलाती है, शायद 220 या 232 के आसपास स्टोर हैं इनके, या 242 के आसपास स्टोर हैं इनके पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक और महाराष्ट्र कर्नाटक और के आसपास के एरिया में इनके 240 के आसपास स्टोर हैं। खैर, वो सारे स्टोर इनके खुद के ओन्ड हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स के खुद के स्टोर ओन्ड नहीं है, रेंट पर भी रहते हैं। दूसरी चीज़, गॉडफ्रे फिलिप्स का मेन बिजनेस वो नहीं है, वो है सिगरेट के कारोबार में। वैल्यू वाइज ठीक आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स की खबरें आती रहती हैं बीच बीच में, आप उसको ध्यान में रखिएगा। वीएसटी इंडस्ट्री, ये एक और ऐसी कंपनी है सिगरेट कारोबार में जो डी मार्ट के मालिक यानी आर के दमानी साहब जिसमें बतौर इन्वेस्टर 30% स्टेक ओन करते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। 125 रुपये के आसपास का इंटरेस्ट पेमेंट है, हालांकि कंपनी बहुत स्लो है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट के लिए अच्छी है, डिविडेंड के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको नीचे 1700-1800 के दाम पर कहीं मिल जाए तो वीएसटी इंडस्ट्री को भी आप देख सकते हैं, बुरी नहीं है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी को रखना फिलहाल थोड़ा अलग है, अटपटे हैं दोनों, अलग अलग कंपनीज हैं। अच्छा, टाटा टेली सर्विसेज पर राकेश जी, एक खबर आ रही थी बीच में कि टाटा ग्रुप इस कंपनी को रिवैम्प कर रहा है क्योंकि SMEs के इस्तेमाल के लिए, कल ही रात ये खबर मैंने पढ़ी थी। लेकिन टाटा टेली सर्विसेज और टाटा टेली TTML जो है महाराष्ट्र लिमिटेड, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, तो आप उस हिसाब से इसको सोचिएगा कि TTSL और TTML आपका निवेश कहाँ है और आप कहाँ टर्न अराउंड देख रहे हैं, उस हिसाब से कॉल लीजिएगा। वैसे तो टाटा ग्रुप ही कंपनी है तो एक पार्ट तो वो है, लेकिन नंबर्स थोड़े से ध्यान रखें और न्यूज फ्लो से रिलेटेड जो आता है उसका ध्यान रखें। अच्छा, बर्गर किंग बेस्ट लिस्टेड QSR, आप पूछ रहे बता रहे हैं, खैर अगर आप पूछ रहे हैं तो आज नंबर आ जाएंगे, कुछ हद तक क्लियरिटी आपको आ ही जाएगी कि ये बेस्ट लिस्टेड QSR में है कि नहीं। सो फार कोई कंपनी अगर अपनी मेटल को प्रूव कर पाई तो वो जुबिलेंट फूड है, जो कि पिछले 10 साल में 2010 में IPO आया था, वहाँ से लेके आज तक अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला IPO बन चुका है। तब से लेके अब तक ये शेयर 375 रुपये के आसपास का भाव होता था, वहाँ से शेयर आज चला यहाँ, और फिर उसका एक बोनस भी आया बनेश्वर, तो एडजस्टेड दाम करीब 150 रुपये था, वहाँ से शेयर चल के आज 3000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अभी भी मार्केट डोमिनेंस रखती है, 72% के आसपास का मार्केट शेयर है इनका। तो सो फार जुबिलेंट फूड ही बेस्ट कंपनी है QSR में, नंबर्स के लिहाज से, मार्केट कैप के लिहाज से भी। आगे अब बर्गर किंग के नंबर आते हैं, उसके बाद सिचुएशन क्लियर होगी कि आप इसमें जाएं या ना जाएं। जो अगर हाँ, लेकिन इसमें भी एक केवियट है बर्गर किंग में भी कि 120 रुपये के आसपास बसंत महेश्वरी साहब ने करीब 250 करोड़ रुपये के आसपास के शेयर खरीदे हैं, तो वो तो एक बॉटम आप मान के चली सकते हैं नियर टर्म में, उसको बॉटम आधार मान के आप पोजीशन देख सकते हैं अगर कल नंबर्स के बाद कुछ नीचे रिएक्शन आता है तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और मन्नापुरम पे हर्षद साहब, नंबर्स हैं, अवेटेड है नंबर्स आज। अच्छा, नंबर्स अभी कुछ देर पहले आए और शायद इनकी प्रोविजनिंग बढ़कर भी आई थी नंबर्स, मैंने हाँ थोड़ी पहले नंबर देखे थे और नंबर में इनकी प्रोविजनिंग बढ़कर आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। थोड़ा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब्ड्यूड नंबर रहेंगे क्योंकि इनके MFI बिजनेस जो है, जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार है, वहाँ पर थोड़ा सा इशू आ सकता है। दूसरा डिसबर्समेंट या फिर इनकी जो लोन रिकवरी है वो किस तरह की रहती है, अपकमिंग एंट्री आनी है, कौन कॉल होगी, ब्रोकर हाउसेज की रिपोर्ट होंगी, तो ये सब चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद कोई भी कॉल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी।
अच्छा, कैंप्स को लेकर सर, कैंप्स के ऊपर जो नंबर्स हैं वो पार्ट बहुत क्रूशियल है। इसके नंबर्स कल आए थे और नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले थे, लेकिन ओवर हीटेड शेयर है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी है, अब ये बीएससी का भी हम जिक्र कर रहे थे, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के नंबर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीएससी का शेयर भाग रहा है। तो बीएससी, सीडीएसएल, कैंप्स, ये तीन कंपनियाँ इंटर रिलेटेड काइंड ऑफ है, आप इनको ध्यान रखिए। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बोयंसी रहती है तो ऑब्वियसली बात है कैंप्स भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप अगर लंबी अवधि रखते हैं, मजरिया ठीक ठाक है आपका, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि के लिए इसको कुछ भी अभी कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। कैंप्स पे हम बातचीत कर चुके, आईटीसी पे हम बातचीत कर चुके, और अब वोल्टास 945 रुपये पर। रजत सहगल साहब का सवाल है। सहगल साहब, कल भी ये बात हुई थी इसी सेगमेंट में वोल्टास को लेकर। वोल्टास में एक चीज़ क्रूशियल है कि एसी, ऑब्वियसली बात है नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो डिमांड तो स्ट्रॉन्ग रहेगी ही। एचवैक दूसरा बिजनेस इनका जो है वो भी अच्छा है, एक्सकेवेशन के कारोबार में वो भी ठीक ठाक कारोबार है, और प्लस मिडिल ईस्ट का बिजनेस तो इनके लिए है, जहाँ क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो इनके लिए रेवेन्यूज और तेज होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें इनको आप ध्यान रखें। टाटा ग्रुप की बहुत पुरानी कंपनी है, अगर आप समय दे सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बने रहने के लिए। क्रेडिबिलिटी वाइज इस कंपनी में कोई इशू नहीं है, काम वाइज कोई इशू नहीं है, बिजनेस प्रोडक्ट प्रोफाइल सब अच्छा है, लेकिन खेल है सारे प्राइस का। अगर आपको नियर टर्म में पैसा चाहिए तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लॉन्गर टर्म में आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस करीब करीब 20% अपसाइड यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, वरुण बेवरेजेस को लेकर शिवम साहब, एक ट्रिगर इसके लिए रिसेंटली वही है, देवयानी फूड्स का एक आईपीओ आने की बातचीत हो रही है, और देवयानी फूड, देवयानी इंटरनेशनल जो है वो इनकी एक आम है, जो कि फूड बिजनेस के अंदर, इसके अंदर में आप KFC देखते हैं, वांगो देखते हैं, कोस्ता कॉफ़ी देखते हैं, पिज्ज़ा हट देखते हैं, ये सब इसके अंडर में ही आते हैं। तो वो IPO आता है, कितना हद तक IPO का बाज़ार इम्पैक्ट लेता है वो डिपेंड करता है, लेकिन वरुण बेवरेजेस बहुत चला हुआ शेयर है, भूले नहीं, एक बोनस भी इसमें हाल में ही आया था, तो अकॉर्डिंगली उसके बाद शेयर में थोड़ी तेज़ी आ रही है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं और उस ट्रिगर का यहाँ पर वेट कर सकते हैं। नंबर और क्रूशियली वॉच करिएगा। ट्राइडेंट 1814 पे 350 शेयर हैं, क्या करें। अमोल साहब, कल मेरी किसी एक ब्रोकर से बातचीत हो रही थी, हालांकि इसके नंबर लास्ट क्वार्टर के और सेल्स का जो अपडेट कुछ दिन पहले आया था दोनों अच्छे थे, ऐसा कोई बुराई नहीं थी, लेकिन थोड़ा ओवर हीटेड शेयर है, इसलिए इसको तोड़ा गया था जो रिसेंटली नंबर के बाद टूटा था, शायद 1819 रुपये के आसपास का हाई बनाया था इसने और वहाँ से टूटा था। आप अभी तो बने रह सकते हैं और टाइम देंगे तो शायद 25 रुपये तक के दाम भी आपको यहाँ देने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो आप एटलीस्ट बने रहें, लेकिन हर अपडेट हर नंबर पर नज़र रखें। आज एकदम से शेयर में तेज़ी आई भी थी, 17-17.5 रुपये के आसपास पहुंच भी गया था, लेकिन फिर थोड़ा सा कूल ऑफ होकर बंद हुआ है, तो बेटर आप समय दीजिए और नंबर्स के ऊपर इसके क्रूशियली नज़र रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और JSW और सेल, अरोड़ा साहब, आज सुबह एक रिपोर्ट थी क्रेडिट स्विस की, उन्होंने इस पूरे स्पेस में जो मेटल स्पेस है उसमें अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, हालांकि उन्होंने JSPL और JSW स्टील इन दोनों को ही सेल पर रखा है, सेल उसका नाम नहीं था सेल का, लेकिन मेटल को लेकर उन्होंने बात साफ की कि बहुत बड़ी तेज़ी देखी जा चुकी है, और अभी कुछ देर पहले बात भी कर रहा था कि 42% का मूव मेटल में 16 फरवरी से लेकर आज तक आ चुका है, तो एक बहुत बड़ा तेज़ी इसने दिखा दी है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना बनता भी है। अब कितना हद तक कूल ऑफ होगा डिपेंड करता है, साइक्लिकल बिजनेस भी है तो सपोर्ट आ भी सकता है। आपके लिए राय यही कि आप थोड़ा समय अगर दे सकते हैं तो रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस क्रूशली रखिएगा और हर नंबर के ऊपर आप नज़र रखें, अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई भी कॉल लीजिएगा, सेल में भी और साथ ही साथ टाटा JSW स्टील में भी। चलिए, अंश ढांडा साहब का सवाल फिर से, ब्रिटानिया, नेटको, ग्लेनमार्क, सर तीनों कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब आप लॉस कर रहे हैं तो आपका शायद छोटी अवधि का ही नज़रिया होगा, अगर आप लंबी अवधि दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इन कंपनीज में बहुत अच्छी कंपनियाँ, बहुत समय, मतलब ग्लेनमार्क ने तो बहुत बड़ा मूव एकदम से दिखाया था, शायद ऊपर की तरफ आप एंटर करके गए, लेकिन नेटको, ग्लेनमार्क, कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, समय दीजिए, आपको एग्जिट भी मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन टाइम फ्रेम आपको लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक जी पर सवाल आ रहे हैं, जी लर्न पर सवाल आ रहे हैं। सर, जी लर्न को लेकर बाजार में खबरें हैं कई तरह की कि कुछ बड़ी कंपनी से एक्वायर कर सकती है, लेकिन सिर्फ बज है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। और जी के केस में भी नंबर्स तो ठीक ठाक ही थे, बहुत कोई फायर वर्क तो नहीं था नंबर्स में, ब्रोकरेज हाउसेस की व्यूज़ भी बटे हुए थे, न्यूट्रल व्यू ही मेजरली उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा था, तो
अभी तो कोई सब्सटैंशियल ट्रिगर इसके साथ है नहीं, कोई ट्रिगर मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप न्यूट्रल व्यू मेंटेन रखिए यहाँ पर और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिएगा। कल्पक साहब, बलरामपुर चीनी के केस में एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि बलरामपुर चीनी ने एक बायबैक भी किया था, 2 या 3 बायबैक कर चुके 3-4 साल में, और ये साइक्लिकल बिजनेस के अंदर कामकाज करती है। यही नहीं पूरा शुगर स्पेस, धामपुर, बलरामपुर, द्वारकेश, राणा शुगर, मतलब कोई भी शुगर कंपनी आप ले लीजिए नाम, सभी साइक्लिकल वे में कामकाज करती हैं। कैच ये है कि ट्रिगर्स आते हैं और शेयर तेज़ी दिखाते हैं। लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो 320 रुपये के आसपास धामपुर की तेज़ी मुझे याद है, नया हाई उसने उस टाइम बनाया था और उसके बाद में तेज़ बिकवाली आई थी। वो उस टाइम जब वो हाई बना था तब बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई थी और उसके बाद टूटा था, फिर दोबारा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है, तो शायद ओवर हीटेड साइड पर अभी जाता हुआ दिखाई पड़े। ध्यान से आप ट्रेड करिएगा इसकी साइक्लिकल, अगर आप पिछले 5 साल का स्टेटस देख लेंगे किसी भी शुगर स्पेस का या चार्ट देख लेंगे, गूगल पे अवेलेबल है, तो ही आपको कुछ हद तक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे इसमें ट्रेड करना है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूव होता है कि धामपुर शुगर आपको एक समय पर 60 भी दिखेगा और एक समय पर आपको 320 भी दिखेगा, तो आप ध्यान से इनको ट्रेड करिएगा, सेलेक्टिवली कॉल लीजिएगा, फंसने के चांसेस बहुत होते हैं शुगर साइकिल के अंदर। अच्छा, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर हर्षद साहब बात हो रही थी किसी ब्रोकर ग्रुप में, मैं देख रहा था, क्योंकि पाइप में प्रिंस पाइप जैसी कंपनियां तेज़ हैं, जिंदल 100 के नंबर भी आने वाले हैं, तो इस तरह की कंपनीज़ के नंबर ठीक हैं और कुछ सेगमेंट को बेटर मान भी रहे हैं लोग, क्योंकि मानसून अगर आएगा तो भी एक रूरल डिमांड वगैरह रहती है इनके साथ, तो आप बने रह सकते हैं, वैसी कोई कंपनी में दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए और रीसेंट जो ट्रिगर्स हैं इसके साथ नंबर्स एंड ऑल, उन सब के ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। SBI पर भुवन गुप्ता साहब, हमारी रचना जी से परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि SBI और तमाम PSU बैंक्स के अंदर थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा वेट करिए, अगर नीचे आपको मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, अभी आपके पास है तो अभी आप बने रहेंगे, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आप नीचे अगर आपको मिले तो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है एंटर करने के लिए। आउटराइटली SBI में उन्होंने निवेश करने की सलाह नहीं दी थी। ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट तो ऑब्वियसली बात है 600 रुपये के आसपास आने लग गए नंबर्स के बाद। भारतीय एयरटेल, वरुण साहब ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, क्योंकि भारतीय एयरटेल इकलौता ऐसा स्टॉक है जो हर तरीके से नहीं चल कर देता है, क्योंकि मेजरली जो मार्केट है वहाँ पर किसी भी तरह पे आप कोई भी कॉल ले लीजिए, वहाँ पर आमतौर पे बाज़ार में तेज़ी भी आती है या नंबर्स भी आते हैं, कितनी अच्छी न्यूज़ आ जाए ऊपर की तरफ सप्लाई आती है, मानस भी पहले कह चुके हैं, तो भारतीय एयरटेल को लेकर कुछ भी कॉल कहना या बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर काम लेकर चल सकते हैं। बातचीत करते हैं अब IRFC। मंगल साहब, IRFC का रिसेंटली IPO आया था और शायद 2660 अगर मैं गलत नहीं तो इसका हाई था, उसके बाद कुछ दिन बाद, वो हाई को पार हो जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन ईज आउट होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी, IRFC नहीं, कोई भी कंपनी अगर IPO प्राइस के नीचे है और IPO का प्राइस आता है तो IPO के प्राइस आने के बाद वहाँ पे सप्लाईज़ आते हुए दिखाई पड़ेंगी, और सप्लाईज़ के बाद शेयर में शायद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद चल सकता है, तो पहले सप्लाईज़ को जरा का हैंगओवर उधर जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन कुछ हद तक बदलते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए, करीब 53 हो गया है, बहुत सारे दर्शकों से हमने बातचीत कर ली है, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी दर्शकों का जिन्होंने हमसे आज बातचीत की, सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी दर्शकों से जिनसे हम बातचीत आज नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है, और कल हम फिर यहीं पर ही मुलाकात करेंगे कुछ और सवाल, कुछ और आंकड़ों के साथ। नमस्कार।